फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल इंडेक्स में कहाँ ट्रेड है और कल के लिए लेवल्स क्या हो सकते हैं। आज हमने देखा कि अच्छा खासा एक सेलिंग देखने को मिला हमको, बट प्रीवियस वीडियो जो देखे होंगे उनको पता होगा कि ट्रेंड कहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है और कहाँ से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पिछले 3 दिनों में हमने देखा कि बैंक निफ्टी जो है वो एक ही रेंज में क्लोज हो रहा था और अपर लेवल रिजेक्शन देखने को मिल रहा था। तो ये एक पॉज मोड था जो कि हमने कल डिस्कस किया, और उसके बाद में हम लोग देखे तो एक यहाँ पे अच्छा खासा एक पॉज देखा हमने 3 दिनों तक। प्रीवियस ट्रेंड डाउन था, डाउन ट्रेंड के बाद में हमको एक पॉज देखने को मिला और ये वापस से फॉलो थ्रू आज देखने को मिला हमको अच्छा खासा सेलिंग। यही चीज़ पिछले 2 महीने से कंटिन्यूसली हो रही है। हमने बहुत बार वीडियो में ये डिस्कस किया है कि मार्केट को नीचे जाना है तो वो प्रीवियस हाई कभी ब्रेक नहीं करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे हमने देखा प्रीवियसली कि अच्छा खासा फॉलो अप आया, उसके बाद में एक पॉज देखने को मिला, पॉज के बाद में वापस फॉलो थ्रू सेलिंग आया। सेलिंग के बाद में हमने देखा कि वापस से एक पॉज हुआ, पॉज के बाद वापस से एक गैप डाउन नीचे आते हुए दिखा मार्केट, वापस एक पॉज है, पॉज के बाद में वापस गैप डाउन है। इसके बाद में हमने देखा कि एक कंसोलिडेशन अच्छा खासा हुआ, कंसोलिडेशन के बाद में बाउंस देखा, वापस से बाउंस सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद में वापस कंसोलिडेशन देखा और फॉलो थ्रू देखने को मिला। तो मार्केट कभी भी वन वे ऊपर नहीं जाएगा या वन वे नीचे नहीं जाएगा, बीच बीच में पॉज मिलेगा हमको और उसके बाद में हमको री एंट्री के लिए नए ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कल हमने देखा था कि यहाँ पे जो है एक लेट मी ड्रॉ, ये सपोर्ट एरिया था जो कि प्रीवियसली हम लोग देखे तो ये अच्छा खासा एक सपोर्ट जो है प्रीवियसली वहाँ से बाउंस हुआ था मार्केट, वहाँ से सपोर्ट लिया और कंसोलिडेशन भी ये सपोर्ट के ऊपर ही हो रहा था। आज जो मार्केट ओपन हुआ वो प्रीवियस स्विंग हाइज जो थे वहाँ पे ओपन हुआ, प्रीवियस स्विंग हाई जो था ये हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ और वहाँ से जहाँ से सेलिंग आया था वहाँ से आज वापस हमको सेलिंग देखने को मिला और कंटिन्यूअसली यहाँ पे हम अच्छा खासा सेलिंग देख रहे थे। जैसे ही ये कल के स्विंग लोस ब्रेक हुए, जैसे ही सपोर्ट एरिया ब्रेक होते हुए हमें नज़र आया, हमने देखा कि ब्रेकडाउन करने के बाद में यहाँ पे अपर लेवल रिजेक्शन एक बार ट्राई किया है बैंक निफ्टी ने ऊपर जाने का, पर सस्टेन नहीं हो पाया, अपर लेवल रिजेक्शन है। जो यहाँ पे ये ट्रेंड मिस कर चुके थे इनको यहाँ पे फ्रेश अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी मिली और ये कैंडल के स्टॉप लॉस से अच्छा खासा एक ब्रेकडाउन देखने को मिला हमको। तो अभी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स है हमारे लिए कि ये अभी ये फॉलो थ्रू और दिखा सकता है डाउन साइड में, क्योंकि अभी ये इस मेजर सपोर्ट्स धीरे धीरे ब्रेक कर रहा है, अभी उसके लिए एक चांस और है, बायर के लिए और है जो 32,200 के आसपास सपोर्ट है के, तो वो टेस्ट कर सकता है वापस ये और वहाँ से एक थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है हमको, क्योंकि लास्ट सपोर्ट है। जैसे डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे तो आपको थोड़ा क्लियरिटी आएगा यहाँ पे कि डेली चार्ट में यहाँ से वी शेप रिकवरी देखने को मिली थी हमने प्रीवियसली, अच्छा खासा बाउंस हुआ था, उसके बाद ये टेस्ट नहीं हुआ है ये सपोर्ट, तो ये यहाँ पे टेस्ट करके थोड़ा कंसोलिडेशन कर सकता है स्टॉक। तो अभी के लिए हम लोग देखेंगे तो आज क्लोजिंग तो निगेटिव हुआ है नीचे, उसके बाद में हमने देखा कि अभी कल अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप खुलने के बाद में फॉलो अप सेलिंग आ सकता है, जब तक कि ये 33,000 के नीचे है, 33,000 के नीचे है तब तक के निगेटिव है, थोड़ा गैप अप भी ओपन हो रहा है तब भी हम लोग वेट करेंगे। आइदर ये 33 के ऊपर निकल रहा है तो हम लोग एक बार बाइंग के बाद सोचेंगे, अदरवाइज ये यहाँ पे गैप अप के बाद में भी फॉलो अप सेलिंग आएगा, और नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 32,200 के पास में एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट होल्ड कर रहा है तो हम लोग वेट करेंगे, या वहाँ पे फिर से सरप्राइज एक्शन बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन हो रहा है तो चांसेस है कि उसके वापस वो नीचे ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है। फिलहाल के लिए पॉजिटिव नहीं मार्केट, एक पॉज देखने को मिलेगा अगर मार्केट को ऊपर में टर्न होना है तो, अदरवाइज ये फॉलो थ्रू नीचे की ओर ही जाएगा। निफ्टी में देखते हैं हम लोग, निफ्टी में भी सिमिलर देखने को मिला हमको, बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी वीक है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग तो प्रीवियस सपोर्ट्स सारे ब्रेक होते हुए नजर आए, उसके बाद में हमने एक डिस्कस किया था कि एक प्रीवियस माइनर सपोर्ट है जो कि 15,550 के पास था, एक्सपेक्टेड था आज वीकली एक्सपायरी है तो 500 के ऊपर ही क्लोज आए, बट नॉन स्टॉप ब्रेक करते हुए निफ्टी ने 360-370 के आसपास क्लोजिंग ये दिया है और 500 के नीचे आया, ये ज़्यादा वीक है और सारे प्रीवियस सपोर्ट हमें ब्रेक होते हुए नजर आए। तो अभी के लिए फुल निगेटिव निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपेयर में, तो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स ऊपर में 15,550 के लेवल्स होंगे हमारे लिए, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे फिर से ऊपर में अगर आता है तो मार्केट,
और नीचे में हमारे लिए अभी नीचे में एक अच्छे खासे लेवल्स ओपन हो जा रहे हैं, 15 15,000 और 15,100 का एक सपोर्ट है, उसके बाद में सीधा 14,800 के ये सपोर्ट होंगे। तो यहाँ पे अभी फॉलो अप हमको बाउंस के लिए वेट करना है, बाउंस में हम लोग फिर से सेलिंग करेंगे, ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक्शन का कि इधर साइडवेज जाए, जैसे यहाँ पे गया है गैप डाउन के बाद में थोड़ा साइडवेज जाए तो री एंट्री के लिए हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अदरवाइज मार्केट में पॉजिटिव तो नहीं है, निफ्टी पॉजिटिव होगा 550 500 के ऊपर ही, जो कि वापस ये जोन सस्टेन में होल्ड कर पाएगा और ऊपर में निकलेगा, तो उसके चांसेस कम लग रहे हैं। बट इसको ऊपर भी जाना है तो थोड़ा एक पॉज कैंडल बनाना पड़ेगा, एक साइडवेज जाना पड़ेगा। अगर शार्प ऊपर चला गया तो शार्प वापस हमको नीचे आते हुए दिखेगा निफ्टी। चलिए स्टॉक देखते हैं। फर्स्ट स्टॉक है जुबिलेंट फूड, यहाँ पे हम लोग देखे कि स्टॉक कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, नया हाई नहीं बना रहा है बट नया लो हमें बनते हुए नजर आ रहा है। अभी एक अच्छा बाउंस आया, बाउंस के बाद में हमने देखा कि यहाँ से दो तीन कैंडल साइडवेज जाने के बाद भी फॉलो थ्रू अपसाइड आना चाहिए था, बट ये बाउंस फेल होते हुए नजर आया और डाउन साइड डाउन ट्रेंड नीचे आया है मार्केट। तो डाउन साइड कंटिन्यू करने के बाद में एक पॉज देखने को मिला हमको अच्छा खासा, कि 6 7 दिनों का पॉज हुआ, उसके बाद हमको देख रहे कि आज अच्छा खासा ऊपर से अपर लेवल रिजेक्शन देखने को मिला। तो यहाँ पे हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट होंगे कि जैसे ये नीचे में 508 ब्रेक कर रहा है तो हमारे टारगेट होंगे 492 और 472 के हमारे नीचे में टारगेट होंगे। तो यहाँ पे जो कैंडल ब्रेक डाउन कर रहा है उसी का हाई का स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे और सेल करेंगे। अगर ये ऊपर में निकल रहा है, क्योंकि एक जोन में ही है, तो ये अगर ऊपर सपोज निकलता है चांसेस कम है, तो 36 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। फर्स्ट टारगेट 550 और सेकेंड टारगेट 560 के हमारे ऊपर में होंगे। चांसेस इसके नीचे ही है कि नीचे ब्रेक कर रहे हैं, बट मार्केट को डिसाइड करने देंगे कि कहाँ जाना है, वो अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है भारत फोर्ज, भारत फोर्ज देखे हम लोग, तो यहाँ पे ये भी डाउन ट्रेंड में ही है, बट यहाँ पे कुछ समय के लिए एक पॉज देखने को मिला हमको। पॉज के बाद में हमने देखा कि यहाँ से अच्छा खासा ऊपर गया है, ये चार कैंडल कंटिन्यूअसली पॉजिटिव थे, साइडवेज वापस से एक ब्रेकआउट हुआ बट ब्रेकआउट ये फेल होते हुए नजर आए। उसके बाद से हम कंटिन्यूस देख रहे हैं कि एक लोअर लो बन रहा है, वापस एक पॉज हुआ, वापस ट्राई किया बट वो भी फेल होते हुए नजर आया, और आज पिछले 7 8 दिनों के जो लोस थे उसके नीचे क्लोज आया, तो ये निगेटिव साइन है कि स्टॉक रेडी है नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 640 के नीचे जब तक है तब तक निगेटिव है, भले कल गैप अप भी ओपन हो जाए और 640 के आसपास से ऊपर से रिजेक्शन आता है तो हमारे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, या फ्लैट ओपन होकर सीधा नीचे आ रहा है तो 632 के नीचे हमारा सेल होगा, हमारे टारगेट होंगे 620 और 605 के हमारे टारगेट होंगे नीचे में। तो नेक्स्ट स्टॉक है हीरो मोटर कॉर्प, हीरो मोटर कॉर्प में भी देखेंगे तो सिमिलर टाइप का पैटर्न है कि एक शार्प ड्रॉप देखने को मिला है, 7 8 दिन का कंसोलिडेशन है और आज एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना है, अच्छा खासा सेलर कंट्रोल कर रहे थे मार्केट, तो प्रीवियस 7 8 दिन का जो बाइंग था सेलिंग का वो एब्जॉर्ब होते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक रेडी है नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे लिए लेवल होंगे इंपॉर्टेंट, जैसे 2510 के नीचे निकल रहा है तो हम लोग 2470 और 2425 के लिए हम लोग प्ले करेंगे। तो जो कैंडल ब्रेक डाउन कर रहा है उसी स्टॉक कैंडल का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे हाई का, और शॉर्ट साइड के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।